सीखाम में आपकी सलामती हो प्रोग्राम आवाज़ हक़ के साथ आपका होस्ट हारून यूसफ़ और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ नाजरीन आज प्रोग्राम आवाज़ हक में जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ उसे हर एक पाकिस्तानी के साथ साथ दुनिया के बहुत सारे लोग जो हैं वो उससे बखूबी वाकिफ़ हैं और वो कहानी कोई ऐसी कोई आम कहानी नहीं है बल्कि वो एक ऐसी दिल दहला देने वाली स्टोरी है ऐसी कहानी है जो कि एक पूरे ख़ानदान के लिए क्यामत बन के बर्पा हुई और साथ ही साथ ये जो कहानी है ये जो पूरा वाक्य है वो आज मैं आपके साथ जो है वो शेयर करना चाहूँगा आज आपके साथ उस पर बातचीत करना चाहूँगा और वो कहानी है शमा और शहजाद की जो कि चार नवंबर 2014 को कोर्ट राधा किशन में रहते हुए अपनी जिंदगी को बसर कर रहे थे लेकिन वहाँ पे रहते हुए उन पे ऐसा गम का पहाड़ टूटा कि वो इस दुनिया से कूच कर गए और वो कूच ऐसे ही नहीं कर गए बल्कि इसके पीछे भी एक पूरा जो है वो जुल्म की दास्तान है और वो जुल्म की दास्तान क्या है आज मैं आपको दोबारा से बताना चाहता हूँ क्योंकि इस वाक़ा को गुजरे हुए पूरे आठ साल हो गए हैं और आज ये बात करते हुए नहायत दिल जो है वो दुख से भर जाता है कि ये क्यों वाक़ जो हैं वो हमारे मुल्क में रोनमा होते हैं और क्यों हमारे लोग जो हैं वो जुल्म की भट्टी में जल रहे हैं नाजरीन आपको ये बताना चाहता हूँ कि शमा और शहज़ाद जैसा मैंने आपको बताया कि वो कोट राधा के रिहाइशी थे और वो अपनी ज़िंदगी बड़े अच्छे तरीके से बसर कर रहे थे लेकिन कुछ नाम नहाद लोगों ने उन पर जो है वो तोहन मजहब का इल्ज़ाम लगाकर उनकी ज़िंदगी को उनसे छीन लिया और छीना ज़िंदगी ये इंसान के इख्तियार में नहीं है लेकिन इंसान जो कि खुदा बने बैठे हैं जो कि लोगों पर जुल्म करने से किसी तौर से भी कतराते नहीं हैं उन्होंने भी ऐसा ही किया और उन्होंने दोनों मियाँ बीवी को जलते हुए आग में डाल दिया वो आग जहाँ पे ईंटें बनाई जाती हैं वो आग जहाँ पे जो कच्ची मिट्टी है उसको तपा के ऐसी मजबूत ईंटें बनाई जाती हैं जिनसे हम अपने घर बनाते हैं और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंसानी जो जिस्म है आप क्या सोचते हैं कि जब वो आग की भट्टी में डाला जाएगा तो उसका हाल क्या होगा वो तो पानी की तरह पिघल जाएगा वो तो इस तरह से जैसे मोम पिघल जाता है वो इस तरह से पिघल जाएगा नाजरीन ये जुल्म की दास्तान आप सब इससे बखूबी वाकिफ़ हैं और आज इसको गुजरे हुए आठ साल हो गए हैं और जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि आज ये कहानी शेयर करने का मकसद ये है कि हम कहते हैं कि पाकिस्तान आज़ाद हो गया है लेकिन कहाँ आज़ाद हुआ है क्या हम अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए हैं लेकिन अपने मुल्क में रहते हुए हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि उसी तरह से जुलूमियत में जो है वो अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं जो कि ऐसे मजालिम हैं वो उन पे ढहे जा रहे हैं और ये कौन कर रहा है क्या बाहर से कोई दूसरी जो लोग हैं मुल्कों के लोग हैं वो कर रहे हैं नहीं बल्कि हमारे ही मुल्क के लोग हैं जो कि अपने ही बहन भाइयों पर जुल्म की इंतहा किए हुए हैं और जो हम कहते हैं कि भट्टों पर काम करने वाले जो लोग हैं वो आज़ाद हैं वो आज भी ग़ुलामी की जिंदगी बसर कर रहे हैं वो शमा और शहजाद की तरह वो जुल्म की दास्तान बनने के लिए हर वक्त तैयार हैं और हम नहीं जानते कि वो किस वक्त उसी तरह से जैसे शमा और शहजाद को आकी भट्टी में डाला गया उनको भी इसी तरह से जो है वो आकी भट्टी में कब डाला जाएगा अब क्या सोचते हैं हमारे बहुत सारे सियासी जो रहनम है उन्होंने अपनी आंखों को बंद किया हुआ है हमारे जो बहुत सारे ऐसे मजहबी जो लीडरान है उन्होंने अपनी आंखों को बंद किया हुआ है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो के भट्टों पे जो काम करने वाले लोग हैं वो उनको आजाद करवाने के लिए उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं तो भी ये सिस्टम बंद नहीं हो रहा क्यों बंद नहीं हो रहा क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये एक माफिया है और जिसमें सिर्फ भट्टा मालकान ही शामिल नहीं है बहुत सारे ऐसे सियासी लीडरान हैं जो इसमें शामिल हैं बहुत सारे ऐसे मजहबी रहनमा हैं जो इस माफिया में शामिल हैं तो हम क्या सोचते हैं कि शमा और शहजाद की तरह जब कोई किसी और जोड़े को आग की भट्टी में डाला जाएगा भट्टे में डाला जाएगा हम फिर अपनी आंखों को खोलेंगे हम अपनी आंखों को कब खोलेंगे नाजरीन ये एक सवाल है जो इस प्रोग्राम के ताल्लुक से आप तक पहुंच रहा है और मैं ये तस्वीर आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, ये मैं दिखाना चाहता हूं आपको यह आप देखें ये वो जोड़ा है जो कि अपनी जिंदगी को बड़े खुशी के साथ अपने बच्चों के साथ बसर कर रहे थे लेकिन इनको भट्टे की आग में डाल दिया गया झोंक दिया गया इनको और बहुत सारी एन ने इनकी मौत को कैश किया है मैं ये कहना बड़ा मुनासिब समझता हूं कि उन्होंने इनकी मौत को कैश किया है और लोगों ने तो यहां तक उनके बच्चों को एक ऐसे टॉय की तरह इस्तेमाल किया कभी कहीं पे लेके जा रहे थे कभी कहीं पे लेके जा रहे थे ताकि इन बच्चों के वसीला से वो उनकी जो एन हैं उनकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी जो फाउंडेशन है उनका नाम हो सके पूरी दुनिया में तो हम पूरी दुनिया में ये अपने मुल्क का नाम रोशन करने के लिए कर रहे हैं अगर वाकई ही हम अपने मुल्क का नाम रोशन करना चाहते हैं अगर वाकई ही हम चाहते हैं कि मुल्क पाकिस्तान का जो नाम है पूरी दुनिया में एक अमन और सलामती के मुल्क के तौर पर जाना जाए तो हमें इस भट्टा माफिया को रोकना होगा हमें खत्म करना होगा ये सिस्टम और इस सिस्टम को ख़त्म करने के लिए हमारे जो सियासी लीडरान हैं हमारे जो एम पी एज हैं एम एन एज हैं जो सफीर हैं और जो आवानों में बैठे हुए बड़ी बड़ी बातें करते हैं उनको जागने की जरूरत है हमारे जो मजहबी जो लीडरान हैं बहुत सारे बड़े नाम हैं ऐसे मैं नाम नहीं किसी का लेना चाहता लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ उनको जागने की जरूरत है कि अगर कोई और जुल्म की कहानी बने उससे पहले हमें अपनी आंखों को खोलना चाहिए नाजरीन ये सारी बातें आपके साथ शेयर करते हुए मैं आज आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि मैं ए, सीसल एंड आयरस फाउंडेशन जो स्कूल है मैं वहाँ पर मौजूद हूँ और शमा और शहजाद के बच्चों के साथ हम मिलने के लिए आए हैं और नेशनल न्यूज़ नामा की हमेशा से ये कोशिश रही है कि ऐसे जो बर्निंग इश्यूज हैं उनको हाईलाइट किया जाए तो ये बड़े दुख और मतलब तकलीफ़ के साथ मैं आज यहाँ पे आया हूँ मेरा कैमरा मैन यहाँ पर आया है और बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि नेशनल न्यूज नामा की पूरी टीम यहाँ पर आई है ताकि हम शमा और शहजाद के बच्चों के साथ बातचीत कर सकें उनसे जान सकें कि शम और शहजाद जो कि उनके माँ बाप हैं वो इस दुनिया में नहीं है लेकिन हम जानेंगे कि उनकी ज़िंदगी अब किस तौर से गुजर रही है और जो लोग उनकी देखभाल करते हैं हम उनसे भी बात करेंगे ताकि वो हमें बता सकें जो प्रेजेंट कंडीशन है उनके बच्चों की वो क्या है तो आए नाजरीन आ, मैं अभी ऑफ़िस में जाता हूँ और बात करते हैं उन तमाम लोगों से जो कि शमा और शहजाद के बच्चों को यहाँ पे पढ़ाते भी हैं और उनकी देखभाल भी करते हैं जी नाजरीन अभी हम मौजूद हैं सीसल एंड आयरस फ़ाउंडेशन के ऑफिस में जहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सलीम सिल्वेस्टर साहब जो कि शीसल एंड आयरस फ़ाउंडेशन में लीगल एड और एडवोकेसी के इंचार्ज हैं हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि शमा और शहज़ाद के बच्चे यहाँ पे ज़र तालीम हैं और हम उनसे जानेंगे कि वो किस तौर से इन बच्चों को य, इन बच्चों की देखभाल कर रहे हैं और पढ़ाई लिखाई में वो बच्चे किस तौर से आगे बढ़ रहे हैं तो सर आप हमें ज़रा बताइएगा सबसे पहले मैं न्यूज़ नेशनल का शुक्रगुजार हूं हूँ कि उन्होंने आज यहाँ पर ज्यामत की और ये बात लोगों तक पहुँचाने का आज़म उठाया कि बहुत से वाक़ ऐसे होते हैं जो लोगों की निगाहों से उजल होते हैं जब तक उन्हें बताया ना जाए। सके सिसल चौधरी फाउंडेशन गुजतः दस साल से इस मुल्क में कमज़ोर पिसे हुए और लाचार तबके की नुमाइंदगी करती है ज़्यादातर एडवोकेसी का काम है ताकि लोगों को अवेयरनेस दी जा सके उसके साथ साथ जो इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन टास्क है वो बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करना है स्विजरलैंड आयरस चौधरी फाउंडेशन का थोड़ा सा तारफ़ करवाते हुए मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड सिसल चौधरी और उनकी अहलिया मिसिस आयरस चौधरी की वफात के बाद उनकी बड़ी बेटी मिशेल चौधरी ने उनके उस उसम को पूरा करने का बेड़ा उठाया जो कि वो अपनी ज़िंदगी में कर रहे थे ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड सिसल चौधरी का ये कहना था कि अगर हमें अपनी कौम को आगे बढ़ाना है उनको तरक्की दिलवानी है तो फिर तालीम उसमें एक लाजमी जुज है और जब तक बच्चे तालीम नहीं पाते वह आगे बढ़ नहीं सकते मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने 32 साल सिसल चौधरी साहब के साथ काम किया और उनकी रिटायर एयरफोर्स से रिटायरमेंट के बाद उनकी वफ़ात तक मैं उनके साथ रहा और इस दौरान मैंने उनके नज़रियात को जानचा उनसे बहुत कुछ सीखा और मैंने देखा कि ग्रुप कैप्टन सिसल चौधरी और उनकी अहलिया मिसिज़ आयर चौधरी दोनों ही ने तालीम के मैदान में बच्चों की इंतहा तक मदद की और आज हज़ारों बच्चे उनकी वजह से पढ़ कर ज़िंदगी में कामयाब और दूसरों के लिए नमूना बने हुए हैं सिस चौधरी फाउंडेशन का ये स्कूल सी आई सी एफ एजुकेशन सेंटर यहाबाद ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है और यहाँ पर भी कमज़ोर तबके को खासकर जो घरेलू मुलाजमीन हैं उनके लिए उनके बच्चों को तालीम दिलवाने के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया और आज खुदा उनका शुक्र है कि इस वक्त यहाँ पर साठ के करीब बच्चे जीरे तालीम हैं चौधरी फाउंडेशन इसके अलावा अवेयरनेस का काम करती है एडवोकेसी का काम करती है लीगल एड का काम करती है और उसके साथ साथ जो नागानी आफात हैं जल्ज़ला सलाब और इस किस्म की जो नेचुरल कुदरती आफात हैं उसमें फंसे हुए लोगों और विक्टम्स के लिए भी बाली का काम करती है जी बहुत शुक्रिया शमा और शहजाद को इस दुनिया से गए हुए आठ साल हो गए हैं और इन आठ सालों में जो उनके बच्चे हैं हम देख रहे हैं कि वो यहाँ पे जेर तलीम है। आप हमें ये बताएं कि सीसेल एंड आयरस चौधरी फाउंडेशन जो है वो इन बच्चों को किस तरह से के उनकी देखभाल कर रही है उनकी जो तलीमो तरबियत है उसको वो किस तरह से जो है वो करने के लिए हर वक्त जो है वो तैयार है अभी आपने इस स्कूल को देखा और यहाँ पर बच्चों को भी देखा दो हज़ार चौदह में जब ये साना हुआ सारी कौम इससे बखूबी वाकफ़ है कि किस तरह कोट राधा के एक भट्टे पर दो मसीहों को जो मियां बीवी थे शमार शजाद जुनूनी हजूम ने किस तरह उनको पकड़ा मारा पीटा और फिर बिल उन्हें भट्टे में आग की नज़र कर दिया और उनकी हड्डियाँ तक जल गई उसके बाद बहुत से लोग सामने आए जिन्होंने बयानबाजी की इस सिलसिले में मुतालबे किए गए मुलजमान को पकड़ने के लिए मुलजमान पकड़े भी गए मुकदमात अदालत में भी गए वहाँ भी केस चलते रहे बहुत सी एन ने उसमें काम किया बहुत से लोगों ने इन लोगों की कानूनी मदद भी की यकीन वाली मदद भी की सिर नारिस चौधरी फाउंडेशन का जो किरदार इस दौर में रहा हमने देखा कि बहुत से लोग मुकदमात में दिलचस्पी ले रहे थे लेकिन कोई इस ख़ानदान की तरफ तोज्जो नहीं दे रहा था लिहाजा हमने इनके सरपरस्त से नाना से मुख्तार से बात की मुख्तार मसीह इन बच्चों का नाना है शमा का बाप था वो उससे बात की और बिल आख़िर से सर चौधरी फाउंडेशन ने इस इन तीन बच्चों की या मैं एक बात और बताता चला जाऊं कि शमह शजात के चार बच्चे दो बेटे और दो बेटियाँ बड़ा बेटा जो है वो अपने ताया के पास रहता है शुरू से ही लिहाजा तीन बच्चे इनके बाद जब ये वक़ूआ हुआ उस वक्त सले जो बड़ा बेटा है उसकी उम्र तकरीबन छः सात साल थी और उसने ये सारा क्राइम सीन ये सारा माजरा अपनी आँखों से देखा सोनिया उस वक़्त जो सुलेमान से छोटी बेटी है वो तीन साल की थी और पूनम जो सबसे छोटी बेटी थी वो उस वक़्त गोद में थी साल सवा साल की थी तो इन तीनों बच्चों को हमने ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए मैडम मेशल चौधरी ने उन्होंने इन बच्चों को इनकी सरप्रस्ती संभाली और इनकी देखभाल का जिम्मा लिया और उस वक़्त से लेकर आज तक ये तीनों बच्चे इस ऑर्गेनाइजेशन की जेर कफालत हैं एक चीज़ जो बताना मैं बड़े ज़रूरी समझता हूँ कि क्योंकि इन बच्चों ने अपनी आंखों से अपने माँ बाप पर तशद होते देखा उन्हें मरते देखा तो छोटे जेनों बच्चों के जेन में ये बात जो थी बुरी तरह नक्श हो चुकी थी और ऑर्गेनाइजेशन को हमें कम से कम दो साल लगे उन बच्चों के जहन से ये बात ख़त्म करते हुए अगर अगरचि वो हम ख़त्म शायद ना कर पाए हों लेकिन कम से कम ये ज़रूर है कि हमने उनका एहसास जो है उस कर्ब के एहसास को कम कर दिया है और आज बच्चे दूसरे नॉर्मल बच्चों की तरह पढ़ाई में खेलों में हर किस्म के कामों में दिलचस्पी लेते हैं और हिस्सा लेते हैं आज से तीन साल पहले हमने एक मसीह आ रहा है मैं मुनासिब नहीं समझता कि उसका नाम मैं लूँ एक बड़ा रिप्यूटेड मसीह आ रहा है पूरे पाकिस्तान से बच्चे वहाँ पढ़ने आते हैं तो हमने वहाँ पर बातचीत की और सुलेमान को क्योंकि वो उम्र में बड़ा काफ़ी बड़ा हो गया था तो हमने उसे वहाँ पर दाखिल करवाया और आज उसे तीसरा साल है उसमें एक अतमाद पैदा हो गया और वो बच्चे जो शायद अगर अपने माँ बाप के ज़ेरे साया रहते तो इस तरह परवान ना चढ़ते वो भी यकीन भट्टे पे ही काम करते आज वो बच्चा उसमें अतमाद पैदा हो गया और वो वेल मैनर्ड जब ये बच्चे आए थे तो इनको पंजाबी के स्वाद कुछ नहीं था आता गालियाँ बेताशा देते थे क्योंकि भट्टों का कल्चर ऐसा है लेकिन अब वो सिविलाइज नज़र आता है दिखाई देता है उससे गुफतु करें तो पता चलता है कि वो अब एक सिविलाइज बच्चा है और कम अज कम उसको जो है गुफ्तू करने का अदाब जो है वो पता चल गया है सोनिया और पूनम ये दोनों हमारे पास इस एजुकेशन सेंटर पे तालीम हासिल कर रही हैं और उनके लिए भी हमारे पास मंसूबा है कि आगे फ्यूचर में उनको किसी अच्छे हॉस्टल में ताकि जहाँ पर उनकी तरबियत और बेहतर हो सके वहाँ पर दाखिल करवाया जा सके यहाँ पर मुझे थोड़ा सा दुख होता है तकलीफ़ होती है कि अगर हम किसी की काविश को किसी की कोशिश को रेकग्नाइज़ नहीं कर सकते तो ना करें लेकिन कम अज़ कम उसके ख़िलाफ़ बात मत करें जितने अदारे जितनी एन काम कर रही हैं किसी न किसी तरीके से वो अवाम की खिदमत लोगों की खिदमत कर रही हैं अगर उसमें कुछ कमियाँ हैं तो यकीन इंसान होने के नाते वोले कबूल हैं लेकिन उसका यह हरगिज़ मतलब नहीं हम उनके ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर दें अभी गुजशत दिनों में एक चैनल ने मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझूंगा एक चैनल ने इसी केस पे एक वीडियो की और उसमें उन्होंने बड़े वसूख से यह बताया लोगों को उसको हज़ारों लोगों ने देखा होगा यक़ीन उन्होंने बताया कि ये बच्चे जो हैं ये बड़ी परेशानी की हालत में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और फाक़े कर रहे हैं और बड़ा अजीब सा माहौल उनका बताया और उससे ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि उसमें हमारे एक मसीही मैं उनके लिए कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता लेकिन नाम मैं ज़रूर लूँगा जाहिद अनवर साहब लोग उन्हें जानते हैं उन्होंने इसमें जो करदार अदा किया है वो काबिल कबूल नहीं है जाहिद अनवर को इस हकीकत का पता है उससे मेरी मुलाकात रहती है और उसे पता है कि इन बच्चों की कफालत हम कर रहे हैं उसके बावजूद उसने वहाँ पर बैठ कर बड़े धड़ल्ले से कहा कि एन जी ओज लूट के खा गई हैं और इन बच्चों को पूछता कोई नहीं इनके नाम पे पैसे मंगवा खाए जा रहे हैं और ये बेचारे बड़ी बुरी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और चटनी से रोटी खाते हैं और इस किस्म के सवाल जो थे उसने रेज़ किए तो आपकी वसास्त से मैं जाहिर अनुमत तक ये पैगाम पहुँचाना ज़रूरी समझता हूँ कि ज़ाहिर साहब और उस न्यूज़ चैनल पर भी ये पैगाम देना ज़रूरी समझता हूँ कि जब तक किसी मामले में तहकीक पूरी ना कर ली जाए उस पर गुफ्तू नहीं करनी चाहिए क्योंकि इस तरह आप नादानिशा तौर पर किसी की बदनामी का बास बनते हैं और किसी की दिल आजारी कर रहे होते हैं यहाँ पर ये बच्चे आपके सामने हैं आप उन्हें देखें ये स्कूल आपके सामने हैं ये इधारा उनसे बात करें और फिर आप खुद ही इस बात का इंसाफ करेंगे कि आया जहाद जानवर की वो बात दुरुस्त थी या जायद जानवर ने किसी के कहने पे इस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ इस सरन आर चौधरी फाउंडेशन के खिलाफ एक जहरीला प्राप्पगंडा किया है मैं आप लोगों का मशकूर हूँ कि आपने वक्त दिया और हक को सामने लाने में हमारी मदद की आप लोगों का बहुत शुक्रिया जी नाजरीन अभी हमारे साथ शमर शहजाद की दो बेटियाँ मौजूद हैं सोनिया और पूनम और हम उनसे जानेंगे कि बेशक ये एक बड़े दुख की बात है कि माँ बाप जब साथ होते हैं तो एक चेहरे पे जो खुशी होती है जो रौनक होती है वो डिफरेंट होती है लेकिन फिर भी कई दफ़ा हम ये भी देखते हैं कि माँ बाप जो हैं वो सारी ज़िंदगी हमारे साथ नहीं होते लेकिन ये वो बच्चे हैं जिनके माँ और बाप इनको बहुत छोटी उम्र में छोड़ के इस दुनिया से चले गए और इनको इस तरह से बेयर मददगार करने में उस जो गिरोह ने किसी तौर से भी जो है वो इनकी जो है वो मैं समझता हूँ कि जुल्म करने की जो है उन्होंने किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी बल्कि उन्होंने इन बच्चों पर एक ऐसी जुल्म की दास्तान रकम कर दी है कि ये सारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो सकती और हम इन बच्चों से पूछेंगे कि जब वो सीसल एंड आयरिस चौधरी फाउंडेशन में मौजूद हैं और वो वहाँ पर तालीम हासिल करें तो मैं ये उनसे ज़रूर पूछूँगा कि यहाँ पर ये जो स्कूल है उनको किस तरह से लुक आफ्टर कर रहा है उनकी तलीम और तरबियत में किस तरह से अपना किरदार अदा करा है तो पूनम आप हमें बताओ कि ये जो स्कूल है ये आपके लिए अच्छा साबित हो रहा है कि नहीं अच्छा है अच्छा और मुझे ये भी बताओ यहाँ पे आपका ख्याल रखा जाता है रखा जाता है अच्छा और सोनिया आप भी ज़रा बताओ हमारे नाजरन को कि आपको मामा पापा की याद आती है हाँ। लेकिन यहाँ पर जो स्कूल के जो लोग हैं आपकी प्रिंसिपल हैं आपके टीचर हैं या जो दूसरे जो लोग हैं वो आपका पूरा ख्याल रखते हैं हाँ जी જરા નાઝરીન કો બતાવો એ જે સ્કૂલ બે હમ અચ્છા લગતા તો સાતમ મે યે પ્રિન્સિપલ વગેરા હમારી મદદ કરતે તો યે સ્કૂલ બેતે ઓર મમા-પપ્પા કી યાદ ભી આતી જી નાઝરીન અબી આપ દેખ રહે હે કે યે બચ્ચે અપને માબાપ કો હમેશા યાદ કરતે હે તો ભી મેને પહેલે કહા કે માબાપ કી mohabbat કો ભૂલા દેના માબાપ કો ભૂલ જાના યે આસانی હે તો અબ મે બાત કરુંગા યહાં કી જો પ્રિન્સિપલ હે मेश बशीर साहिबा और मैं उनसे पूछूंगा कि वो किस तरह से इन बच्चों को जो है देखभाल करने में अपना रोल अदा कर रहे हैं और ये स्कूल किस तरह से इन बच्चों को जो है वो फैसिलिटेट कर रहा है हर लिहाज से आ, मैं 2015 से यहाँ पे काम कर रही हूँ और ये बच्चे तब से हमारे साथ हैं और यहाँ पे पढ़ रहे हैं जब ये दोनों बच्चे यहाँ पर आए तो काफ़ी स्लो थे जाहिर है इनके साथ जो हादसा हुआ था कुछ उसका असर भी था और कुछ उनका माहौल जो है वो फ़र्क था लेकिन अब जो हैं ये बच्चे काफ़ी बेहतर हो गए हैं क्योंकि हमने इनकी हर चीज़ पर तो दी मैम शेल इनकी हर चीज़ का पूछती हैं कि किसी चीज़ की इनको ज़रूरत तो नहीं है हम भी गाय बगायन से पूछते रहते हैं कि घर का माहौल कैसा है क्या खाते हैं क्या पहनते हैं किसी किस्म का मसला घर में है तो हमसे शेयर करें और फिर इनकी स्टडीज़ पर तो फोकस किया जाता है कि बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं इनकी टीचर से पूछा जाता है डेली कि बच्चे आ रहे हैं इनकी डायरी लिखी गई है और टेस्ट इनके कैसे हो रहे हैं तो इस तरह से हर चीज़ पर इनकी तवज्जा है हमारी Uh, मैडम आप अपने हमें यह भी बताएं कि ये बच्चे जाहिर सी बात है इनको स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है और हम जानते हैं इस बात को कि जब ये इनके साथ वाक़ पेश आया और ये बरबरीत की इंतहा का एक वाक्य था और उन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया और आप हमें ये बताएं कि जब ये बच्चे आपके पास आए और इन इस मतलब प्रजेंट टाइम में ये जो बच्चों की कंडीशन है या जो बच्चों का जो दूसरों के साथ जो बेहेव है वो कैसा है हाँ जी जब ये बच्चे हमारे पास आए थे तो बहुत सहमे हुए रहते थे खासकर पूनम छोटी थी तो ज़्यादा सहमी रहती थी सोनिया भी थी इसी तरह लेकिन अब इनमें जो है वो खुद इतमादी पैदा हुई है बच्चे बच्चों का जो कॉन्फिडेंस है वो बेहतर हो गया अब ये हर किसी से बात भी कर लेते हैं बच्चों के साथ खेलते भी हैं और नॉर्मल बच्चों जैसा बिहेव करते हैं थैंक यू आपका बात करने के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं और बेटे आज हम नेशनल न्यूज़ नामा की टीम यहाँ पे आई है और ये आप के लिए हम जो है ना ये बेशक आपको दुख तो देगा लेकिन ये आप पकड़ो ज़रा और ये हम आपके लिए लेके आए हैं और आप दोनों में से ये कौन है ये सोनिया के पूनम है अच्छा ये आप ज़रा पकड़ो जी नाजरीन ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये दोनों वो बच्चियाँ हैं जो कि अपने माँ बाप की दिल दहला देने वाली मौत के बाद इस जगह पे आईं लेकिन आज आप देख सकते हैं कि ये बच्चियाँ कॉन्फिडेंस में आगे बढ़ रही हैं अपनी एजुकेशन में आगे बढ़ रही हैं जी नाजरीन इस वक्त हम मौजूद हैं स्वरल एंड आयरिस चौधरी फाउंडेशन के मेन ऑफिस में और यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं एहत्या साहब जो कि यहाँ के, के अकाउंटेंट हैं और हम उनसे जानेंगे कि जो शहजाद और शमा के जो बच्चे हैं उनके जो जो तमाम तरह के जो माली मामलात हैं वो किस तरह से ये जो फाउंडेशन है उनको देख रही है और उनको मजीद बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है जी अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम एहतिशाम विक्की है, है और मैं 2018 हज़ार अठारह से दसी नारिस चौधरी फाउंडेशन में मेंज़ अकाउंटेंट सर्व कर रहा हूं और जब से मैंने ज्वाइन किया है ये बच्चों क्योंकि ये आ, मामला जो था 2014 में पेश रनुमा हुआ था और उसके बाद 2014 से लेके आज तक ये बच्चे द सल नारिस चौधरी फाउंडेशन के जो है केयर ऑफ में हैं इनके जितने भी फाइनेंशियल मामला हैं उसमें दसल्ला नारस चौधरी फाउंडेशन ही इनको सपोर्ट कर रही है हम इनकी स्टडीज़ के इनके शेल्टर के इनके रिक्शा के ट्यूशन फीस जितने भी फाइनेंशियल मामला हैं वो उसमें हम इनको सर्व करते हैं जी एहतान साहब कई दफ़ा ना ख़बरें गर्दिश करती हैं कि ये जो बच्चे हैं ये शायद उस तौर से अपनी लाइफ को नहीं बसर करें जिस तरह से इनको करना चाहिए क्योंकि लोग कहते हैं कि शायद जो बच्चे हैं वो भूख और प्यास का शिकार हैं या वो जो उनकी जो मामला हैं घरेलू जो मामलात हैं वो भी इतने अच्छे नहीं हैं तो ये जो फाउंडेशन है ये जाहिर सही जाहिर सी बात है आपने बताया कि 2018 से आप मतलब काम कर रहे हैं और सारे जो मामला हैं वो इनको आप देख रहे हैं आप क्या सोचते हैं कि ये जो लोग बातें करते हैं जो दूसरी एन हैं वो इस फाउंडेशन को किस तौर से लेती हैं या क्या समझती हैं कि ये फाउंडेशन अपना काम बेहतर कर रही है या नहीं कर रही है बिल्कुल इस तरह की काफ़ी दफ़ा बातें हमें सुनने को मिलती हैं कि लोग इस तरह से कह रहे हैं कि बच्चे फाके काट रहे हैं या बच्चों के पास ऐसा वो मामला नहीं हैं लेकिन इस चीज़ में जो है जरा ज़रा भी सच्चाई नहीं है क्योंकि 2014 से जैसे मैं आपको बता चुका हूँ 2014 से लेके आज तक ये जो है हर मंथ ये हमारे पास आते हैं और इनके जितने भी फुल मंथ के जो भी इनकी नीड्स होती हैं रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सी पूरा करता है उसके अलावा से लोग काफ़ी दफ़ा बातें करते हैं कि इनको वो चीज़ें नहीं मिल रही लेकिन आप इनके घर विज़िट कर सकते हैं आप बच्चों से पूछ सकते हैं इनकी स्कूलिंग जो बेटा है वो हॉस्टल में पढ़ रहा है उसके भी जितने सारे मामलों हैं उन सब चीज़ों को हम ही देख रहे हैं अच्छा आप आ, हमारे नाजरन को ये बताएंगे कि दो के बाद क्योंकि आप इनको हर तरह से जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं लीगली भी और मतलब फाइनेशली भी और जो इनके गार्डियन हैं आप क्या सोचते हैं कि उनका जो रवैया है अपने मतलब नवासों के साथ इन बच्चों के साथ वो कैसा है जी बिल्कुल क्योंकि गार्डियनशिप इनके नाना के पास है इनकी और बच्चों की तो जितने भी हमसे हो सकते हैं हम उनकी हेल्प करते हैं लेकिन थोड़ा से जो मामला तो उनके नाना की तरफ से रह जाते हैं क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं वो इतनी समझ नहीं रखते कि प्रॉपर उनको पता हो कि क्या अच्छा है क्या बुरा है वो क्योंकि वो उनके नाना ही उनके पास रहते हैं और जैसे वो उनको कहते हैं बच्चे फिर उसी तरह से चलते हैं जी बहुत शुक्रिया सर आपका थैंक यू जी नाजरीन अभी आपने ये सारी बातचीत सुनी एहतम साहब ने शमा और शहजाद के बच्चों के बारे में हमें बताया और हम यहाँ पे आए थे मिशल साहिबा से मिलने के लिए मिशल चौधरी साहिबा से जो कि चेयरपर्सन हैं सिसल एंड आयरिस चौधरी फाउंडेशन की और लेकिन उनकी तबीयत ख़राब होने की वजह से वो चले गए और उनसे हमारी बातचीत नहीं हो सकी तो भी बहुत सारे ऐसे हक़ जो हैं वो सामने आए इन बच्चों के हवाले से और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये यह आपको पिक्चर भी नज़र आ रही है उन बच्चों की जब ये बच्चे यहाँ पर आए थे और उन उस वक्त उन बच्चों की कंडीशन क्या थी उन बच्चों के मामल क्या थे लेकिन आज हमने सारा देखा उनके स्कूल में भी हमने विज़िट किया और हमने उन बच्चों को देखा कि वो किस तरह से एजुकेशन के जो मैदान में आगे बढ़ रहे हैं और अपनी तलीम और तरबियत को वो पूरा कर रहे हैं और ये बच्चे मुस्कबिल में उम्मीद है कि ये अपनी लाइफ को आम नॉर्मल बच्चों की तरह बसर करेंगे और तालीम के मैदान में ये तरक्की करेंगे ये सारी कहानी आपसे बयान करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान जो है ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर जुल्म और जो लोगों के साथ ज़्यादती है ये रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस जुल्म की जंजीर को तोड़ना चाहते हैं लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि इन जंजीरों को तोड़ने में उनकी किसी तरह से मदद नहीं कर रहे लेकिन मैं ये कहना मुनासिब समझूंगा कि सीसल एंड आयरस चौधरी फाउंडेशन जो है ये इसमें अपना एक अहम रोल अदा कर रही है और वो ऐसे बच्चों को ऐसे लोगों को इस जुल्म की जंजीर से आज़ाद करने के लिए अपना नहायत मुनफरद जो करदार है उनका वो अदा कर रही है और साथ ही साथ मैं आपसे इस बात के साथ इजाज़त चाहूँगा कि पाकिस्तान से म ख़त्म नहीं हुआ पाकिस्तान में म्म अभी है और हमें इस जुल्म की जंजीर को इस जुल्म की दीवार को तोड़ना है और हमें अपना जो रोल है वो हर सूरत में अदा करना है ख्वाह हम एक एन जी ओ की सूरत में कर सकते हैं ख्वा हम एक मिनिस्ट्री की सूरत में कर सकते हैं या अगर हम इंडिविजुअली तौर तो पर भी इसमें अपना रोल अदा कर सकें तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे बहन भाई मौजूद हैं जो कि जुल्म की जंजीरों से आज़ाद होने के लिए तड़प रहे हैं इस बात के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि कभी पाकिस्तान में ऐसी कोई कहानी जो है वो दोबारा से रोनमा ना हो कभी कोई शहजाद कभी कोई शमा आग के भट्टे में ना झोंके जाए बल्कि हमेशा हमारा मुल्क जो है वो अमन और सलामती का मुल्क बने और बहुत सारी ज़िंदियाँ यहाँ से एक नमूने के तौर पर पूरी दुनिया में पाकिस्तान के नाम को रोशन करने के लिए जा सकें अब मुझे और मेरे कैमरा मैन तारक प्यारा को दीजिए इजाज़त खुदा हाफिज़